हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि हम वाटर का टेक्सचर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, वाटर ड्रॉप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी सरफेस पे कोई वाटर ड्रॉ करना है, जैसे कि फेस पे वाटर का टेक्सचर। मैंने ड्राइंग बनाई थी तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि फेस पे वाटर का टेक्सचर किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा कि बेसिक क्या होता है किसी भी वाटर को ड्रॉ करने का, जो कि काफ़ी ईजी होता है। बस हाईलाइट्स देखने होते हैं, थोड़े बहुत डार्क एरियाज देखने होते हैं, शेडोज वगैरह देखने होते हैं। काफ़ी ईजी होता है वाटर को ड्रॉ करना। तो आई होप इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि वाटर को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी। सो गाइस, सबसे पहले तो वाटर का टेक्सचर समझ लेते हैं। एज यू ऑल नो कि वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है और ना ही उसका कोई शेप होता है। तो किसी भी कंटेनर में आप उसको डाल दो, वो उसी की तरह हो जाएगा। कहीं कहीं डाल दोगे तो बह जाएगा और फिर उसका शेप अलग हो जाएगा, बूंदे ही दिखेंगी। तो ये उसका शेप होता है और उसके टेक्सचर डिपेंड करता है उसके कहाँ पर कितनी लाइट आ रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर बैकग्राउंड ज़्यादा डार्क है तो ऑब्वियसली वो वाटर भी आपको थोड़ा डार्क डार्क सा दिखेगा और उसके ऊपर शाइन भी कम होगा अगर वहाँ पे लाइट कम है। तो अगर लाइट ज़्यादा है तो आपको शाइन ज़्यादा दिखेगा, तो वहाँ पे आपको हाईलाइट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, कम शेडिंग करनी पड़ेगी। तो इस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको रियलिस्टिक वाटर ड्रॉप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। शेप तो हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है वाटर ड्रॉप या फिर वाटर का टेक्स्चर ड्रॉ करना। बस आपने हाईलाइट्स काफ़ी अच्छे से बनानी है, शेप का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेप को आपको पानी के बहाव के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसमें शेड करना पड़ेगा और फिर हाईलाइट्स करना पड़ेगा। बस यही करना होता है। जैसे कि अभी मैं इसमें शेड कर रहा हूँ और इस साइड में थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ी शेडो बना दूंगा इसमें। तो इसको थोड़ा 3D बना लेते हैं एक बार शेडिंग करके। तो लाइट टू डार्क शेडिंग करूँगा मैं इस तरह से। इस साइड में थोड़ी डार्क शेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर शेडो आएगी। तो इसमें शेडो भी आपने ऑब्जर्व करनी है कहाँ पे किस तरह से शेडो है। शेडो को भी ड्रॉ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक आप ड्रॉ कर पाओगे। जैसे इस तरह से मैंने हल्की शेडो बना दी है, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दूंगा मैं। अब मैं 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ 2B का यूज़ करके। तो 3D बना रहे हैं इसको। उसके बाद इसमें ब्लेंड कर सकते हैं स्मूथ बनाने के लिए, क्योंकि वाटर काफ़ी स्मूथ ही होता है, स्मूथ ही टाइप में होता है। तो इसको ब्लेंड कर देंगे इसके बाद यहाँ पे थोड़ा डार्क करके। अब इसको ब्लेंड कर रहा हूँ मैं, ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और फिर इसमें हाईलाइट कर देंगे। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ नेडेबल इरेजर और इसमें बस आपने इरेज करना है और वो हाईलाइट हो जाएगा और उससे काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा, वाटर ड्रॉप जैसा लगेगा। ये वाटर ड्रॉप में हाईलाइट जरूर होंगे, तो हाईलाइट जरूर करने हैं आपने, तभी आपको वाटर जैसा लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं आपको थोड़ा बहुत वाटर जैसा लग रहा होगा। अगर ये किसी सरफेस के ऊपर होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने अभी तो ओनली सिंपल ऐसे ही ड्रॉ किया, बट कि सरफेस के ऊपर जैसे कि मैं आप कर रहा हूँ, तो मैं एक बार बैकग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड के ऊपर आपको ड्रॉ करना है, मान लो कोई फेस का सरफेस है या फिर कोई भी मेटल का सरफेस है, अगर उसके ऊपर आप ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड को शेड कर दिया है, अब मैं इसमें वाटर को ड्रॉ करने के लिए हल्का सा इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि जो हाईलाइट्स वगैरह हैं हल्का सा इरेज करके इसके चारों तरफ मैं शेडिंग कर दूंगा और ये वाटर का जैसा लगेगा। तो बैकग्राउंड आपने ज़रूर देखना है। जैसे कि इस लीफ में देखो, जो भी आपको ड्रॉप्स दिख रहे हैं उसके नीचे आपको लीफ दिख रही है, उसी के हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड है। और उसमें जैसे कि आपको बीच वाला देखो, बीच में आपको जो रेड रेड लाइन्स ही दिख रही है वो आपको ड्रॉप में भी दिख रही है, जो बीच वाली ड्रॉप्स हैं सारी। तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। तो वो बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, तो बैकग्राउंड जरूर शेड करो जब भी ड्रॉ करो, क्योंकि वो वाटर किसी ना किसी सरफेस पे तो होगा ही ना। तो आपको बैकग्राउंड जरूर शेड करना है जब भी आप ड्रॉ करो, जिस तरह से मैंने इसमें पहले बैकग्राउंड शेड किया है और उसके बाद मैंने इसमें इरेज किया और अब मैं हल्की फुल्की शेडिंग कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं उभरा हुआ सा लग रहा है। अब मैं आपको डार्क सरफेस के ऊपर ड्रॉ के दिखाता हूँ, जो मैंने चाइल्ड वाली ड्राइंग बनाई थी ये वाली। तो इसमें मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पहले तो स्किन का टेक्सचर ड्रॉ किया था, उसके ऊपर से हाइलाइट्स करने के बाद मैंने जो भी वाटर का टेक्सचर ड्रॉ किया था। तो अब मैं इरेजर का यूज़ करके इसमें इरेज कर दूंगा और इसके चारों तरफ मैं बस शेडिंग कर दूंगा और ये वाटर जैसे लग जाएगा। बस सिंपल सा है, ब्लेंड भी कर सकते हैं और इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसमें हाईलाइट्स करने के लिए वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ओनली इरेजर का सबसे ज़्यादा यूज़ करो, वाइट जेल पेन का यूज़ कम से कम ही करो।
इस तरह से छोटे छोटे वाटर ड्रॉप ड्रॉ कर सकते हैं हम जेल पेन का यूज़ करके, इस तरह छोटे छोटे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आपको हाइपर रियलिस्टिक वाली ड्राइंग बनानी है। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने जेल पेन का यूज़ करना है। सिंपली आपने जेल पेन से इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स लगानी है, इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स लगानी है पहले तो। इसके बाद मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके उन डॉट के चारों तरफ आप इस तरह से लाइन लगा दो, डार्क कर दो बस उस उन डॉट के चारों तरफ, तो वो उभरे उभरे से लगते हैं जैसे कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स होंगे। तो इस तरह से आप ड्रॉ यूज़ कर सकते हैं वाइट जेल पेन का काफ़ी अच्छे से हाईलाइट्स करने के लिए या फिर वाटर ड्रॉप ड्रॉ करने के लिए। और अगर बड़े बड़े वाटर ड्रॉप ड्रॉ करने हैं जिस तरह से मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिखाया, उसमें तो आप इरेजर का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से हाईलाइट्स कर सकते हैं। सो गाइस बस यही होता है बेस वाटर का, बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जैसे कि आपने देखा, बस आपने शेडिंग करनी है और मतलब कांच जैसा लगता है, कांच और इसका टेक्सचर मुझे सेम ही लगता है अगर आप ऑब्जर्व करोगे। कांच जो ट्रांसपेरेंट कांच होता है बिल्कुल वाइट वाइट वाटर की तरह होता है, तो दोनों का टेक्सचर एक होता है और आप मतलब दोनों को एक ही तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि बैकग्राउंड जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो आपका अच्छा होना चाहिए। जो भी मान लो आप कोई फेस ड्रॉ कर रहे हो तो वो पहले ड्रॉ करो, उसके बाद उसके ऊपर से आप ड्रॉप को ड्रॉ करो उसको इरेज करके। वैसे मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह से, रियल टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा किस तरह से आप किसी सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सरफेस डिपेंड करता है। मान लो कोई सरफेस है वहाँ पे कोई वाटर है, उसका फ्लो उसका मतलब बह रहा है, वो किस तरह से बह रहा है। मान लो ऊपर से जैसे मैंने ड्रॉ किया था कि उसके ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा था, तो वो किस तरह से बह के आ रहा है वो अपने फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहाँ पे हाइलाइट्स हो रहे हैं, कहाँ पे लाइट पड़ रही है, किस तरह से शेडो आ रही है, उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बस मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हाइलाइट्स होते हैं, शेडो वगैरह होती हैं और कोई भी इसका शेप नहीं होता है। शेप आप कुछ भी कर सकते हैं बट हाईलाइट जरूर कर देना। और शेडिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको 3D में करनी है, काफ़ी सिंपल है। आप किसी भी सरफेस के ऊपर वाटर को ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके देख लेना। आपने कोई पोर्ट्रेट बनाया उसमें अगर वाटर का टेक्सचर नहीं है ना, फिर भी एक बार एक ड्रॉ बना के देख लेना और आपसे ड्रॉ हो जाएगी जिस तरह से मैंने बताया आपको। और जो मैंने ड्रॉइंग बनाई थी उसमें मैंने खुद भी कुछ ड्रॉप्स ऐड की थी, अगर आप रेफरेंस फोटोग्राफ में देखोगे तो आपको नहीं दिखेंगी, बट जो मैंने बनाई थी ये वाली ड्रॉइंग, इसमें मैंने कुछ खुद ड्रॉप अपने हिसाब से भी ऐड की थी। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है। सो ट्राई करके देखना वाटर के टेक्सचर को ड्रॉ करने की, काफ़ी इजी है। बस आपने हाईलाइट्स को ध्यान रखना है, शेडिंग वगैरह को ध्यान रखना है और कोई भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम वाटर का टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, या फिर वाटर ड्रॉप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया, यही मेथड यूज़ होता है। आप चाहे कहीं भी कितना भी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना लो, यही मेथड यूज़ होता है, बट वो फ्लो डिपेंड करता है ना फिर तो फोटोग्राफ में, कि कहाँ पे किस तरह से वाटर आ रहा है, किस तरह से उसका शेप आ रहा है, किस तरह से वो पानी बह रहा है, उसके हिसाब से आपने फोटोग्राफ में से ऑब्जर्व करके फिर आपको शेडिंग करनी पड़ेगी, फिर हाईलाइट्स करने पड़ेंगे, फिर वो बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक लगेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम लगाते हो, कितना अच्छे से ड्रॉ करते हो। बाय द वे मैंने आपको बेसिक तो बता दिया है। आई होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।